प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू को आदर्श राजनेता करार दिया है। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ की है। एक रिपोर्ट के अनुसार आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बुधवार को कहा है कि वाजपेयी और नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के दो आदर्श नेता थे। दोनों कहते थे कि मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा। बकौल गडकरी, अटल जी की परंपरा हमारे लिए प्रेरणा है और पंडित जी का भी अपने देश के लोकतंत्र में अहम योगदान था। दरअसल गडकरी हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान संसद में व्यवधान के बारे में बात कर रहे थे। सदन में उस दौरान तीन कृषि कानून, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित आरोपों पर दोनों सदनों में विपक्षी दलों के ओर से जमकर विरोध दर्ज कराया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने वर्षों को याद करते हुए गडकरी ने कहा है कि एक समय था जब उन्होंने सदन को बाधित करने के लिए प्रभारी का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि उन दिनों में एक बार मैं अटल जी से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि लोकतंत्र में काम करने का यह कोई तरीका नहीं है और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को नितिन गडकरी ने फिर से याद किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।